नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देखें अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, कल जो क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने करा था आपका भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में अंतर। अब जो आज का जो आपको नया टॉपिक है बेटा, वो क्या है? बीज। बीज यानी कि सीड जो होता है, ये आपका टॉपिक है आज का। बीज के विषय में आज हमको पढ़ना है। बीज क्या है बेटा, ये चीज़ बात पढ़नी है आपको। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। मैं आपको बेटा फ़ोटो भेज दूँगा, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन आपको नॉर्मल क्या है लिखना है इसमें, कि आवृत बीजी पौधों में जो बीज होता है ना, ये क्या होता है? ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है, द्विनिषेचन की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनता है बेटा लास्ट में जाके? यह बीज होता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं निषेचित बीजांड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बीजांड है, जो उसमें निषेचन हो जाएगा, तो उसके बाद में जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो आपका बेटा बीज बनेगा। ठीक है, बीजांड के दोनों ओर जो बीज है, उसके दोनों ओर के मतलब चारों ओर एक आवरण बन जाता है, जिसे बोलते हैं बीज आवरण। क्या बोलेंगे? बीज आवरण कहेंगे। ठीक है, अब बीज आवरण में भी ये दो आवरण होते हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। तो जो बाहरी आवरण है उसे क्या करेंगे? बाह्य चोल। चोल माने क्या होता है? कोट। कोट क्या होता है? कोट पहनते ना, ऊपर से बॉडी को कवर करने के लिए कोट पहनते हैं, ऐसी बाहरी कवर करने के लिए तो बाह्य चोल, और जो उसके अंदर वाला जो अंतः कवर होगा उसे अंतःचोल या आंतरिक आवरण भी कह सकते हैं आप। मेरी बात समझ कि कोई बीज होता है उसके ऊपर दो कोट होते हैं या दो लेयर होती हैं, उस बाहरी को बोलते हैं बाह्यचोल और अंदर वाले को बोलते हैं अंतःचोल। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जो आपका भोज्य पदार्थ होता है ना, वो भ्रूण कोष में तो होता ही है। अब इसमें बीज में क्या है, पानी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, पानी धीरे धीरे लो हो जाएगा, और मुश्किल से मुश्किल पानी जो है उसके पूरे बीज के वजन का या पूरे बीज के मास का मुश्किल से 15% बचता है, 15% बचता है। अब ये क्या है, बीज जो है जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जब पानी कम होता है, तो उसे बोलते हैं सुप्तावस्था। क्या बोलते हैं? सुप्तावस्था। सुप्तावस्था में पहुंच जाएगा तो वो बीज को आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। देखो, जैसे गेहूं के दाने आप निकाल के ले आए घर पे बैठा हो, आपने घर पे रख रखा बोरियों में भर के, तो बीज ही तो है गेहूं का, है कि नहीं है? अब वो बीज आपने घर पे रख रखा है, वो अब फिलहाल क्या है, सुप्तावस्था में है, और उसके अंदर जो पानी की मात्रा है उसके वजन की मात्रा लगभग 15% होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस बीज को जब आप ज़मीन में डाल देंगे, वहाँ उसको नमी पहुँचेगी, तो बीज में एक छिद्र छोटा सा होता है, और वो आपका जो बीजांड द्वार जो था, आपने पढ़ा था ना पीछे, बीजांड द्वार से एंट्री करते हैं आपके नरयुग्मक परागकण वाले, तो वहाँ पर एक बीजांड द्वार का छोटा सा छिद्र उसमें शेष रह जाता है। अगर आपको यह छिद्र देखना है कभी, तो आप बेटा चना देखना। चना आपने कभी रात को फुलाया हो पानी में और सुबह देखा हो, तो आपको चने की जो चोंच सी होती है ना ऊपर करके, वहां के पास एक छोटा सा बीज आप छिद्र दिखाई देगा, तो वो क्या है? वो बीजांड द्वार है बेटा। अब होता क्या है कि जब बीजांड द्वार के थ्रू ही क्या होती है, बीज में ऑक्सीजन मतलब गैस वगैरह और जल की जाता है, जिससे कि उसकी सुप्तावस्था टूट जाती है और पुनः अंकुरित हो जाता है। भाई, जो बीज आप ले रखे, जैसे मान लें गेहूं मक्का घर लाते हैं, बोरियों भर लेते हैं, तो क्या है, वो जो बीज हैं वो फिलहाल सुप्तावस्था में है। उन्हें आप खेत में डाल दो, नमी दे दो, तो बीजांड द्वार के थ्रू क्या होगा, उसके अंदर भैया पानी जाएगा, हवा जाएगी, और वो बीज फिर से अंकुरित हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक, ये नॉर्मल सी बात समझ पाइए। हमने पढ़ा कि बीज क्या होता है भैया, कि आवृत बीजी पौधों में जो ना, ये जो इसका अंतिम उत्पाद होता है, निषेचन की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है बीज। सबसे बाद में क्या बनता है? बीज बनता है, इसलिए हम इसको निषेचित बीजांड भी कह सकते हैं। अब बीज के ऊपर दो कवर या दो कोट पाए जाते हैं, या दो आवरण पाए जाते हैं, बाहरी को बोलते हैं बाह्य आवरण या बाह्य चोल, और आंतरिक को बोलते हैं अंतः या आंतरिक आवरण या अंतःचोल। ठीक है,
अब मैंने कहा कि बीज में जो पानी जो बचता है लास्ट में जाके मास्ट, वो उसके वजन का मात्र 15% ही शेष रहता है। अब जब इतना रहेगा तो इस कंडीशन को कहते हैं आप सुप्तावस्था। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, सुप्तावस्था में बीज पहुंच जाता है, डोरमेंसी में पहुंच जाता है। लेकिन इसमें हम इस कंडीशन को, इसमें कंडीशन में तो बीज को हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना, खा भी सकते हैं आसानी से। खाते क्यों हैं बीज को, क्योंकि जो भ्रूण पोष है उसके अंदर, आपने पढ़ा है कि भ्रूण पोष के अंदर बेटा बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, बहुत सारा खाद्य पदार्थ होते हैं, संचित होते हैं। तो उस खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं, उसके हमको ताकत मिलती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज कार्बन वगैरह मिलते हैं। तो समझ पाए मेरी बात को, तो बीज क्या है फिलहाल सुप्त अवस्था में। लेकिन अगर आप चाहें तो इस बीज को आप ज़मीन में डाल दीजिए, वहाँ इसको गैस और नमी मिलेगी। और जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको देखने के लिए आप चने का दाना देख सकते हैं आसानी से, आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर आपको उस बीजांड द्वार के द्वारा हवा यानी कि गैस वगैरह और आपका जल वहाँ से एंट्री करेगा और वह बीज फिर से अंकुरित हो जाता है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपकी बेटा बीज के प्रकार। बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज के प्रकार, एक तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस, अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज। बेटा ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, मैं आपको जो पिक भेजूंगा ना उसमें अंडरलाइन कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन हुआ रखा हो ना पेन से, आपको सिर्फ वही बातें कॉपी में नोट करनी है, ज़्यादा बातें नोट मत करना, ठीक है। तो अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज ये कैसे होते हैं भेजा, कि जब इन बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। ए लगा हुआ है तो मतलब अनुपस्थित है, इन बीजों के अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, क्योंकि जब ये वृद्धि करते हैं तो बीजांड जो है ना पूरे भ्रूणपोष को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रयोग में ले लेता है, इसलिए ये फूलकर मोटे हो जाते हैं, उदाहरण के लिए आपके चना मटर, ठीक है। वहीं दूसरा प्रकार क्या है बेटा, नंबर दो प्रकार क्या है इसका उल्टा, भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी या क्या लिखेंगे, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस बीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भ्रूण पोष में, इसमें क्या है आपका जो ये भ्रूण पोष है ये उपस्थित रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, भ्रूण पोष उपस्थित रहेगा। उदाहरण के लिए चना, सॉरी चना नहीं, गेहूं और मक्का, ठीक है, ये थोड़े कम मोटे होते हैं, गेहूं और मक्का इत्यादि इसका उदाहरण हो गए। ये दो चीज़ें आपको बेटा याद रखनी है सिर्फ, कि बीज के प्रकार दो प्रकार के, अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज, उदाहरण चना मटर, और दूसरा भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज, जैसे कि गेहूं, मक्का, चिया, चिया जानते हो, अरंडी, चिया, वो चीज़ें होगी आपकी। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके कुछ बीज के इम्पोर्टेंस होती हैं, कि बीज का फ़ायदा क्या है, कि भाई बीज जो है आपके, आप स्वास्थ्य के लिए जा सकते हैं, उसको कहीं भी यूज कर लो और अपने हिसाब से उसे बोलो मौसम के अनुसार, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे कि बीज क्या है, मान लो अब दशाएं अनुकूल नहीं है, तो वातावरण दशा अनुकूल नहीं, तो बीज क्या सुप्त अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसी दशा अनुकूल हो जाएंगी तो बीज भी अंकुरित हो गया, एक नया पौधा प्राप्त कर देता है। तो इसलिए इससे क्या है कि बीज से हम किसी भी जाति को आसानी से बचा सकते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा, सभी लोग घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और ये क्लास को ना बेटा दोबारा सुन सकते हैं। मैं आपको जो नोट भेज रहा हूँ उसमें जो चीज़ अंडरलाइन हो रखी है सिर्फ आपको वही लिखनी है। थैंक यू।